जो लोग 10th या 12th के एग्जाम दे चुके हैं और जिनकी मार्कशीट अभी तक नहीं आई है, तो दोस्तों मैं उनके लिए एक बहुत ही जबरदस्त वाली वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जिनकी मार्कशीट अभी तक नहीं आई है वो अपनी मार्कशीट को कैसे डाउनलोड करें, जो कि आपकी कम्प्लीटली वैलिड होगी और आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से हो, या आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, वहां की मार्कशीट आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों आपकी जो मार्कशीट होगी वो वैलिड होगी बिल्कुल, क्योंकि और दोस्तों उस मार्कशीट से आप एडमिशन भी ले सकते हैं किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, अगर आपकी 10th की है, 12th की है, या दोस्तों किसी भी चीज की है उससे दोस्तों आप एडमिशन भी ले सकते हैं। दोस्तों उस मार्कशीट को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने फोन में दोस्तों इस वाली एप्लीकेशन को, जो है दोस्तों आपको पता ही होगा DigiLocker। दोस्तों ये DigiLocker गवर्नमेंट की तरफ से वेरीफाइड एप्लीकेशन है। दोस्तों मैं इसे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे ही दोस्तों इसे ओपन करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो है आधार कार्ड का आ जाता है, ये है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आप आधार कार्ड भी अपना रख सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पर दोस्तों आप जो भी आपके, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं व्हीकल टैक्स रिसिप्ट, फिटनेस सर्टिफिकेट, DL, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, और जो आप व्हीकल का इंश्योरेंस है वो भी आप रख सकते हैं इसमें। अब दोस्तों मैं आपको इसमें एक और चीज बता दूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अगर दोस्तों आप अपना पैन कार्ड रखना चाहते हैं, पैन कार्ड भी दोस्तों इसमें रख सकते हैं। ये कम्प्लीटली अगर दोस्तों आपके पास नहीं है तो आप किसी भी पुलिस वाले को दिखाने यहाँ से दिखा सकते हैं। अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो दोस्तों सॉफ्ट कॉपी में आप यहाँ से दिखा सकते हैं, ये कम्प्लीटली वैलिड होगा। अगर आप किसी और चीज में रखते हैं या कोई और कॉपी दिखाते हैं कहीं और से, तो दोस्तों वो वैलिड नहीं होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मार्कशीट की। मार्कशीट की दोस्तों जैसे बात करते हैं तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ से दोस्तों आपको बहुत सारे स्टेट मिल जाएंगे। जिस स्टेट की भी आप मार्कशीट लेना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, वो मार्कशीट आपको उसी पर जाना होगा। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं मैं CBSE पर दोस्तों मैं क्लिक कर देता हूँ। अगर आप किसी और बोर्ड से हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे बोर्ड मिल जाएंगे, तो मैं दोस्तों CBSE बोर्ड पर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही दोस्तों आपको देख सकते हैं कि आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ से दोस्तों आपको CBSE की हर एक मार्कशीट आपको यहाँ से मिल जाएगी। दोस्तों जैसे कि मैं आपको 10th पर क्लिक करके दिखा देता हूँ, अगर आप 10th में हैं या 12th में हैं तो दोस्तों आपको 10th पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका नया अकाउंट है तो दोस्तों आपको क्रिएट अकाउंट करना होगा, और अगर दोस्तों आपको पहले से ही आपका अकाउंट है तो आपको साइन इन करना होगा। दोस्तों अकाउंट बनाने के लिए आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना होगा। क्रिएट अकाउंट पर देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर फुल नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और मेल फीमेल जो भी है दोस्तों आप डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर आपना डालना है, और उसके बाद दोस्तों आपको 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, और आधार नंबर डाल करके सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके पास जो OTP आएगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है। वो OTP डालने के बाद दोस्तों आपका जो है अकाउंट कम्प्लीटली क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों अकाउंट वहां से क्रिएट करने के बाद आपको यूजर नेम चूज करना होगा। यूजर नेम चूज करने के बाद आपको अपना जो पासिंग ईयर है वो यहाँ पर एंटर करना है, जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल में दिखाया भी गया है कि एग्जाम्पल 2016। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे रोल नंबर डालना है, जैसे देख सकते हैं आप रोल नंबर का भी एग्जाम्पल दिखाया गया है इस तरह से। उसके बाद दोस्तों आप गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका जो डॉक्यूमेंट्स है यानी आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो इजीली आपको मिल जाएगी। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरी मार्कशीट जो है वो डाउनलोड हो गई है, आप भी इसी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप ऊपर रिफ्रेश का लोगो देख सकते हैं, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से 3 डॉट में भी जा सकते हैं, यहाँ से ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से यहाँ पे भी दोस्तों आप देख सकते हैं रिट्राई वाला, तो यहाँ से आप रिट्राई करेंगे तो ये आपको इजीली आपकी जो मार्कशीट है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी और आप ओपन कर सकते हैं। ये ओपन हो जाएगी दोस्तों अगर मैं इसे ओपन करूँ। दोस्तों आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।